यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा से देश के प्रत्येक नागरिक और हर क्षेत्र को फायदा होगा। उन्होंने कहा, कोविड-19 संक्रमण के दौरान यह आर्थिक पैकेज देश के किसानों, कर्मचारियों, मजदूरों को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार बनी सरकार को 30 मई को एक साल हो जाएगा। इस एक साल के दौरान सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सुभाष बराला रोहतक स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। जो कार्यक्रम है एक साल की उपलब्धियों का, उसमें लोगों के घरों तक सरकार के जो प्लेट हम लोग छपवाएंगे उपलब्धियों के, वो दे करके आने हैं। डिजिटल जो माध्यम है उसके माध्यम से भी प्रचार इस बात का होगा, वर्चुअल बैठकें भी होंगी, यानी कि तीन तरह से ये अभियान हमारा चलने वाला है। और इसमें 25 लाख से ज़्यादा पत्रक हम लेकर के जाएंगे, 10 लाख के आसपास हम लोगों ने की योजना बनाई है, फेस कवर और सैनिटाइजर बांटने का काम किया जाएगा। और इसी प्रकार से एक बड़ी संख्या के अंदर डिजिटल माध्यमों से सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचे, और फिर अलग अलग वर्ग समूहों की जो वर्चुअल बैठकें हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें हैं, वो करके हम जनता तक एक साल की उपलब्धियां पहुंचाएं, ये मोटे तौर पे योजना बनी है। जो व्यक्तिगत संपर्क रहेगा उसकी जिम्मेवारी हमारे महामंत्री संजय भाटिया जी, जो सांसद भी हैं, उनकी रहेगी। डिजिटल संसाधनों के माध्यम से नीचे तक सारी उपलब्धियां पहुंचाना, ये संदीप जोशी देखेंगे। और वर्चुअल जो सिस्टम है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज़्यादा लोगों से संपर्क किस प्रकार से हो, ये तीसरे महामंत्री वेदपाल एडवोकेट इस बात को देखने वाले हैं। तो मोटे तौर पे आज की हमारी इस बैठक में ये चर्चा हमने की है। सर, प्रदेश स्तरीय बैठक थी, कौन कौन बैठे? देखिए, ये हमारी जो बैठक, इसमें प्रदेश के हमारे संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट जी, प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया, प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी और तीसरे प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट। तो इस प्रकार से हमारे अध्यक्ष और महामंत्रियों के केवल 5 लोगों की हमारे अभी बैठक हुई थी। ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज इस दौर में देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिया गया है, इसमें हर वर्ग को, चाहे वो किसान है, चाहे वो MSME खास करके जो औद्योगिक क्षेत्र का एक वर्ग आता है, या व्यापारिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र को एक इस प्रकार का बजट दिया गया है। और किसान वर्ग क्योंकि बड़ी संख्या में है, इसलिए किसान के लिए भी बहुत सारी इसमें घोषणाएं इस पैकेज में हुई हैं। तो मैं समझता हूं ये जो पैकेज घोषित किया गया था देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत विस्तार से अलग अलग वर्गों की योजनाएँ इसमें जनता के सामने रखी थी। इसके कारण से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको तेज गति मिलेगी, मोटे तौर पर इसमें ये कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये अपने ऊपर अनुशासन बना करके रखने की आज के दिन जरूरत है। सामान्य आदमी के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए और हर व्यक्ति के साथ एक तरह का व्यवहार इसके अंदर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ हम सब लोगों को अपने से ही इस बात की पहल करनी चाहिए कि हाँ, मैं आत्मानुशासन का परिचय देते हुए किसी भी प्रकार से जो नियम बनाए गए हैं कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए, मैं उन नियमों का पालन करूँगा। लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति के लिए इसमें कड़ाई से अपने ऊपर लागू करना बड़ा जरूरी है। किसी भी प्रकार का कोई मतभेद किसी के बीच में भी नहीं है। इसी बात को लेकर के कहीं कोई अपना मत अलग हो सकता होगा किसी विषय में किसी भी व्यक्ति का, लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि इस सरकार में किसी का भी कहीं भी किसी भी स्तर पे कोई मतभेद नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे जो सिटी का गठन हुआ है वो अपनी निष्पक्ष जांच इसमें करेगी और निर्णायक ये इसकी जांच होगी। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज।